क्या तुम्हारे भाई का नाम राघविंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कैमरे पर बताया पत्रकार के परिवार का नाम तो पत्रकारों ने लगा दी क्लास। वीडियो हुआ वायरल। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ उनके विरोधी उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी सफाई दी है और एक पत्रकार के बारे में कई जानकारी लोगों के सामने बताई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेन्द्र तिवारी रायपुर में आयोजित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुँचे थे। पत्रकार के चाचा का नाम लेकर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें बुलाया, भाई और भतीजी का नाम भी बताया। इतना ही नहीं, गोदी मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि कागज पर पत्रकार के बारे में एक ऐसी जानकारी लिखी जिसे देखकर पत्रकार भी सन्न रह गए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पत्रकार स्वाति मिश्रा ने ट्वीट किया, अगर बाबा ने रिपोर्टर के बारे में जो बताया रिपोर्टर उससे इनकार कर देता तो बाबा के मुँह से निकलता, तो क्या फेसबुक पर सब झूठ लिखा हुआ है? पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा, एक महापाखंडी बाबा को चैनलों ने सिर पर बैठा लिया है, जो मुंह खोलते ही आइटम लगता है उसके सामने लौटने लगे हैं। मध्य प्रदेश के पत्रकार गोविंद गुर्जर ने एबीपी न्यूज रिपोर्टर द्वारा बाबा के चरण स्पर्श करने पर कहा, दुनिया बनाने वाली शक्ति के अलावा कोई नहीं जो किसी के मन की बात जान सके। ऐसे दावे ट्रिक्स और चालाकी से ज्यादा कुछ नहीं। हैरानी है ऐसे लोगों पर जो मौका मिलने पर भी धीरेन्द्र जी के इस पाखंड को एक्सपोज नहीं कर सके। मैं देता हूँ चुनौती, 10 मिनट में पर्चे के पाखंड को एक्सपोज कर सकता हूँ। पत्रकार रणविजय सिंह ने कहा, लगता है बाबा ने चैनलों को अच्छा माल दिया है, सब भक्ति में लीन हो गए हैं। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने बाबा और गोदी मीडिया की जुगलबंदी पर कहा, नया ट्रेंड है, पाखंडियों को स्थापित किया जा रहा है ताकि इन पाखंडियों का विरोध हो और इसे हिंदू बनाम वामपंथ की लड़ाई दे दी जाए, धर्म का अपमान बताया जा सके। इसे पीछे से भाजपा मशीनरी का पूरा समर्थन है। अभी एक ढोंगी को महान बताया जा रहा है, बाद में चुनावों के वक्त ढोंगी भाजपा के काम आएगा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ज्ञानेन्द्र तिवारी की फेसबुक प्रोफाइल पर मौजूद जानकारी चमत्कार के तौर पर बताने के बाद पत्रकार ज्ञानेन्द्र तिवारी के इस तरह से बाबा के जयकारे लगाने को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।